Good morning everyone and welcome back to your English class. Students, today we are going to revise replacing words. I have told you earlier that what are replacing words. Students, see the spelling replacing. Replacing means to take place of. Place means position. किसी चीज़ की जगह ले लेना. To take the place of means के किसी चीज़ की जगह ले लेना. तो replacing words कौन से words हैं जो जगह ले लेते हैं, कौन से words की? Nouns की. ठीक है, so इसीलिए हम इनको बोलते हैं replacing words. और इनका दूसरा नाम है pronouns. Like your people have your two names, similarly replacing words also have second name as pronouns. Means we use replacing words in place of nouns. So what are replacing words? As I told you, replacing words are those words that are used in place of naming words. Means replacing words are those words, such words which we use in place of naming words, जिनको हम naming words की जगह पर use करते हैं. Now let us see how. देखो यहाँ पर मैंने एक example लिखा है. Raj is my best friend. Raj is my classmate. Raj is 10 years old. Raj is a good boy. So आप लोग भी लिखते हैं my best friend. ठीक है, तो suppose आपको कोई पूछ रहा है कि आप you tell about your best friend. So आप क्या बोलोगे? ऐसे ही बोलोगे, बार बार उसका नाम लोगे. जैसे मैंने यहाँ लिखा है Raj is my best friend, Raj is my classmate, Raj is 10 years old, Raj is a good boy. So बार बार Raj बोल के क्या होगा? बोरिंग हो जाएगा सेंटेंस, मोनोटोनस हो जाएगा. बार बार रेपिटिशन हो रहा है किस चीज़ का? राज का. राज क्या है? एक नेमिंग वर्ड है, नाम है. किसका? आपके फ्रेंड का. ठीक है, तो हम राज की जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं? ही. जैसे मैंने देखो यहाँ सर्कल किया है और ऊपर लिखा है ही, यहाँ पर भी, यहाँ भी. ठीक है, सो हमारा सेंटेंस कैसे बन जाएगा अगर हमने अब लिखना है इसको? सो राज इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई क्लास मेट. नाउ इन प्लेस ऑफ राज वी आर यूजिंग ही. ही इज़ 10 ईयर्स ओल्ड, ही इज़ अ गुड बॉय. अब हमने ही यूज़ क्यों किया राज के लिए? कुछ और क्यों नहीं यूज़ किया? तो इसके बारे में मैं आपको नीचे बताऊँगी. ये देखो मैंने यहाँ लिखा है रिप्लेसिंग वर्ड्स एंड नाउन्स, कि ये जो हैं ये रिप्लेसिंग वर्ड्स हैं सब्जेक्टिव, आपके जो बुक में आपके सिलेबस में दिए हुए हैं क्लास थर्ड के. और इधर दिया हुए नाउन्स, मैंने इधर नाउन्स लिखे हैं कि किन नाउन्स के साथ आपको ये वाले रिप्लेसिंग वर्ड्स यूज़ करने हैं. जैसे लिखा ही, ही इज़ अ रिप्लेसिंग वर्ड, तो ही को हम यूज़ करेंगे बॉयज़ के लिए. ठीक है, पर कब? जब बॉय जो हो वो सिंगुलर दिया हो, एक ही लड़का हो. ठीक है, सो जब एक ही लड़के की बात हो रही हो, जैसे यहाँ पे हम राज की, राज एक ही है, हम एक की बात कर रहे थे तो हमने किया ही यूज़. ठीक है, अगर यहाँ पे राज एंड राहुल होता तो हम यूज़ करते दे. लेकिन जब लड़का एक है, ठीक है, और हम लड़के की बात कर रहे हैं तो लड़कों के लिए हम बॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं ही. और देखो मैंने यहाँ सिंगुलर लिखा है, दैट इज़ मैस्कुलिन भी लिखा है साथ में. ठीक है, मैस्कुलिन मतलब कि बॉयज़ के लिए, मेल जेंडर के लिए. ठीक है, और सिंगुलर मतलब जब ये एक ही है नंबर में, काउंटिंग में लड़का जो है वो एक है, तब हम यूज़ करेंगे ही. वैसे ही सी हम यूज़ करते हैं गर्ल्स के लिए. लेकिन कब? जब वो भी सिंगुलर नंबर में दी गई हो. ठीक है, जब वो भी क्या दी गई हो? सिंगुलर नंबर में, मतलब एक ही लड़की की बात हम तब कर रहे हों, तब हम यूज़ करेंगे सी. नेक्स्ट है दे. तो दे जो है वो दोनों के लिए यूज हो सकता है, लड़कों के लिए भी, बॉयज़ के लिए भी, और गर्ल्स के लिए भी. वी कैन यूज़ दे फॉर बोथ बॉयज़ एज वेल एज़ गर्ल्स. जैसे देखो यहाँ पे अगर सपोज हम दो बॉयज़ की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ रिया एंड गर्ल्स की मान लेते हैं, रिया एंड सिया. ठीक है, तो दो गर्ल्स हैं, तो अब मैं दो गर्ल्स के लिए सी थोड़ी ना यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि वो दो हैं, प्लूरल में हैं, उनका नंबर ज़्यादा है. तो अब मैं उनके लिए क्या यूज़ करूँगी? दे. ठीक है, जिसमें बोल रही हूँ रिया एंड सिया आर गुड गर्ल्स. अब मुझे दोबारा रिया और सिया के बारे में बात करनी है तो मैं कैसे बोलूँगी? दे आर बेस्ट फ्रेंड्स. तो अब मैंने रिया और सिया के लिए कौन सा रिप्लेसिंग वर्ड यूज़ किया? दे. जैसे कि मैंने आपको बताया कि दे हम लड़कों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लड़कियों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. अब वैसे ही मैं बॉयज़ के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ इसको. देखो कैसे, जैसे मैं बोलती हूँ, जैसे मैंने रिया और सिया का एग्जाम्पल दिया, वैसे हम दो बॉयज़ का ले लेते हैं, आयुष एंड अनुज.
ओके आयुष एंड अनुज आर गुड बॉयज. ओके अब आयुष एंड अनुज दो बॉयज हैं तो अब मैं दो के लिए ही तो यूज़ नहीं कर पाऊँगी, ठीक है ना. तो क्योंकि ही तो हम एक ही लड़के के लिए यूज़ करते हैं तो दो बॉयज़ के लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ दे. दे आर, अब मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि आयुष एंड अनुज आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो मैं अब बार बार आयुष और अनुज नहीं बोलूँगी, ठीक है. मैं क्या बोलूँगी, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है. नेक्स्ट है आपका वी. सो वी भी हम बोथ लड़कों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लड़कियों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. जैसे अभी देखो आप, और हो सकता है आपके साथ आपके मम्मा बैठे हों, ठीक है. तो आप क्या हो, आप बॉय हो, मम्मा क्या है, एक लेडी है, ठीक है. गर्ल जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, ठीक है. सो अब आपने, अब हमने बोला है कि मैं और मेरे मम्मा जो हैं वो वीडियो देख रहे हैं, तो हम कैसे बोलेंगे, वी आर वॉचिंग द वीडियो. सपोज़ कोई थर्ड वन आपको कॉल लगा रहा है तो आप क्या बोलेंगे, वी आर वॉचिंग द वीडियो, वी आर डूइंग आर होमवर्क. तो वी का मतलब क्या हुआ कि आप और आपके साथ जो दूसरा भी है, ठीक है. तो हम वी दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, ठीक है. सो नेक्स्ट है यू, फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स. यू को भी सबके लिए यूज़ कर सकते हैं, बॉयज़ के लिए भी गर्ल्स के लिए भी. लेकिन यू का मतलब भी क्या होता है, जैसे देखो आप हैं और मैं हूँ अभी, तो मैं आपको बोलूँगी यू लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है. जब आप सेकंड पर्सन हो, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, ठीक है. तो अब मुझे आपसे बात करनी है तो मैं क्या बोलूँगी, यू लिसन, यू, मैं आपको बोलने के लिए, आपको आवाज़ लगाने के लिए, आपको रेफ़र करने के लिए किस रिप्लेसिंग वर्ड का नाम यूज़ करूँगी, यू, ठीक है. सो यू हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यू जब भी लिखा जाता है तो वर्ब जो है इसके साथ हमेशा आती है प्लूरल. हम कभी भी ऐसे नहीं लिखते यू इज़, क्या लिखते हैं हम, यू आर और यू वर, यू हैव. कभी भी हम यू वॉज नहीं लिखते, दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है. नेक्स्ट है आपका आई. अब आई हम किसके लिए यूज़ करते हैं, अपने लिए. जैसे मैं अभी अपनी बात कर रही हूँ कि आई एम डिस्क्राइबिंग रिप्लेसिंग वर्ड्स. जब हम अपनी बात करते हैं तब हम आई का यूज़ करते हैं, और आई के साथ हमेशा क्या लगा होता है, एम. एम जो है, ए एम वर्ड जो है, ये किसी भी और रिप्लेसिंग वर्ड के साथ नहीं लगता, केवल आई के साथ ही एम लगता है, ठीक है. जैसे यहाँ पे ही इज़, सी इज़ हो सकता है, लेकिन आई इज़ नहीं होगा, ठीक है. आई आर भी नहीं होगा, आई वॉज, यस, आई इज़ नहीं होगा, आई आर नहीं होगा, आई वॉज हो सकता है, आई वर. बट प्रेजेंट में आई के साथ हमेशा एम आता है, आई एम. नेक्स्ट इज इट. इट का यूज़ हम करते हैं थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए, ठीक है. जैसे आपकी नोटबुक है, सोचो वो कंप्लीट होगी तो आप कैसे बोलेंगे, माय नोटबुक इज कंप्लीट, इट इज कंप्लीट नाउ, और आई हैव कंप्लीटेड इट. और आप अपनी पेंसिल के बारे में बता रहे हो सपोज, ठीक है, आई हैव अ पेंसिल, इट इज़ रेड कलर्ड. तो पेंसिल के बारे में भी बताने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, इट यूज़ करोगे. तो स्टूडेंट्स, ये जो थे, ये थे डिफरेंट रिप्लेसिंग वर्ड्स जो आपके सिलेबस में है. तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, और फिर आपको मैं वर्कशीट भेज रही हूँ, इसको सुनने के बाद वो वर्कशीट आप कंप्लीट करिए. ओके, सो टिल देन, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन कॉल मी, कॉन्टेक्ट मी. सो टिल देन, ओके, बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.